बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बसपा सुप्रीमो ने दी मुस्लिमों और यादवों को सौगात। बसपा सांसद दानिश अली और श्याम सिंह यादव को दी बड़ी जिम्मेदारी। अमरोहा सांसद दानिश अली बसपा संसद दल के मुख्य सचेतक होंगे। जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव को बनाया संसद दल का उपनेता। कद बढ़ाकर मुस्लिम और यादवों को पार्टी से जोड़ने की कवायद। लोकसभा चुनाव के अंदर वैसे तो मन मुताबिक परिणाम नहीं आए, लेकिन पिछले बार 0 और इस बार 10 सीट जीतने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने अपने आवास पर एक सांसदों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के नाम का मुख्य सचेतक पद हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सांसदों ने सहमति जताई। उसके बाद पार्टी की सुप्रीमो ने दानिश अली को पार्टी का मुख्य सचेतक निर्वाचित कर दिया और जौनपुर से नव निर्वाचित बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को बसपा में सांसद दल का उपनेता बना दिया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस प्रकार जातीय समीकरण और मुस्लिमों में नसबुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी से बाहर होने के बाद बड़ा मुस्लिम चेहरा पार्टी में स्थापित करने के लिए दानिश अली को आगे बढ़ा रही है। वहीं पिछड़े वर्ग को खुश करने के लिए जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दानिश अली ने जेडीएस का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और अमरोहा से सांसद बन गए।